कानपुर तो एक तो मेरा बर्थ प्लेस है, मरियमपुर हॉस्पिटल में पैदा हुआ, यहाँ पे बड़ा हो रहा था, और उस वक्त जो बहुत चीज़ें थी बचपन में, आज हालांकि अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, एक था यहाँ पे पतंग उड़ाना, एक बगल में ही एक सचान की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे गए 75 पैसे की पतंग ले आए, 3 रुपये का मांजा ले आए, बस लगाए, और उसके बाद वो पतंग के पीछे बर्रा दबौली के गलियों में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं डंडा लेके, उसको पकड़ना है, ये सब चीज़ें। और एक यहाँ की जो भाषा है, मतलब कानपुर ऐसी जगह है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, लखनऊ इधर, इधर बनारस, तो वो दोनों फ्लेवर जो है यहाँ की भाषा में मिल जाएगा। अब कोई पतला दुबला सा भी लड़का रहेगा वो जा रहा है, और कोई दूसरा आदमी जा रहा है, तो उसको भी वो डरते नहीं है लोग यहाँ के, वो एकदम बोलेगा कहा वो देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा है बताएं अभी है। तो इस तरह की बातें जो यहाँ पे होती हैं, जो मतलब कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का है, तो अब वो बोल दिया भाई देख रहा मत उसको, अपने कॉलोनी की है, तुम लोग दूसरे कॉलोनी के लौंडे हो, बता देते हैं। तो वो जो भाषा है ना, वो एक इसमें एक रिदम है, प्यार भी उतना, मतलब यहाँ के जो लोग दोस्त रहे हैं मेरे, मतलब दोस्ती के लिए जान ले भी देंगे और दे भी देंगे जान, उस तरह की लोग रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कानपुर बहुत ही मतलब एक प्रोग्रेसिव जगह रहा है। क्या कभी कानपुर को जो या बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहे हैं हिंदी फिल्म, क्या उसको उसकी शूटिंग कानपुर में करना पसंद करेंगे? कुछ है लोकेशन आपके सामने? बिल्कुल है, यहाँ कानपुर कैंट में मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फिल्म में छावनी की कहानी है, जो कलकत्ता छावनी हुआ करता, तो छावनी यहाँ पे भी है। लेकिन फिर वही है कि परमिशन मिलना और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि जब आप फिल्म शूट करने जाते हैं 10-12 करोड़ की, तो एक दिन का खर्चा 8-10-15 लाख होता है, और अगर मैं परमिशन लेने गया और मुझे परमिशन नहीं मिला, तो मुझे परमिशन मिल भी गई है तो मैं जिस दिन आया उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो मुझे लोगों की भीड़ को संभाल सके या कुछ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग ना थोड़ा अवॉइड करते हैं चीज़ों, मतलब ऐसी जगह जाना जो शूटिंग फ्रेंडली नहीं है, लेकिन माहौल अगर एडमिनिस्ट्रेशन देगा तो शूट, जैसे पटना में मैंने 4 दिन एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। पटना की गलियों में मेन चौक चौराहों में मैंने शूट किया और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा सपोर्ट मिला, और अगली फिल्म भी मैं फिर पटना के कुछ जगहों पे करूँगा, बनारस में करने आ ही रहा। बनारस शूटिंग स्पॉट है लोगों के लिए, आज से नहीं है, 100 सालों से। 1901 में पहली फिल्म बनारस में डॉक्यूमेंट्री शूट हुई थी, वो भी है मेरे पास। एक्ट्रेस में किसको साइन कर रहे हैं इसमें अपनी फिल्म में? इसमें मनोज वाजपेयी, नसीर, क्रांति प्रकाश झा, दीपक डोबरियाल, नीतू चंद्रा, पंकज झा, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे बड़े एक्टर्स भी हैं।